नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली में 70वीं शताब्दी के दौरान एक क्रूर शासन यजीद के खिलाफ इमरान हुसैन और उनके परिवार के लोगों ने हक की जंग लड़ी थी। इस जंग में आज के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। आज के दिन उनकी शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय के लोग नियाजो नर्ज का नजराना पेश करते हैं। आज बाकरगंज के कर्बला के मैदान में भारी तादाद में लोग पहुंचे और या हुसैन हक हुसैन के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। बाकरगंज में इमाम बाड़े पर सबसे पहले खानकाह नियाजिया से कर्बला का जुलूस पहुंचा। इसके बाद दूर दराज के गांव देहात से लोग बाकरगंज इमाम बाड़े पर पहुंचे। बाकरगंज इमाम बाड़े पर आज सुबह से ही कर्बला के शहीद हजरत इमाम हुसैन की याद में लोगों ने नियाजो नर्ज का नजराना पेश करना शुरू किया। दूर दराज के लोग ताजियों को लेकर आए और हुसैनी लंगर भी कई जगह बांटा गया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में कर्बला में शहीद हुए किए गए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे यजीद ने किया था, उसी की याद में कर्बला मनाई जाती है और तमाम मुसलमान और हर मजहब मिल्लत के लोग इमाम हुसैन को मानते हैं और कर्बला आते हैं अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज ताजिए दफन होते हैं, ये देखिए जो सजते हैं पूरे शहर में अलम ताजिए, उनके फूल वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं कर्बला में आके पेश करके हम उन जैसे मैयत को दफनाया जाता है तो इमाम हुसैन को आखिरी ताजियत देते हैं। वैसे इमाम हुसैन का गम तो 40 दिन चेलुम तक मनाया जाता है, तो आज उसी सिलसिले में सब लोग आ रहे हैं और कर्बला में ताजी दफन करना है। ये जो जुलूस आया खानकाह नियाजिया के सज्जादा नशीन जनाब मेहंदी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु अली जो सज्जादा नशीन है उनकी सरपरस्ती में है, शबू मियाँ हैं प्रबंधक खानकाह नियाजिया, जुनेदी मियाँ हैं, राजी मियाँ, कासिम मियाँ, जाहिद मियाँ हैं और ये ग़ुलाम हैं और तमाम हमजा नियाजी हैं, मुत्तकी, ज़ैन और सारे भाई लोग इसमें शरीक हुए हैं, मुरीदीन अकीदतमंद शरीक हुए हैं। इसकी ख़ास बात तो ये देखिए किस कदर दूसरे शहरों से हमारे यादव साहब एक आए हुए हैं बिहार से और शर्मा जी आए हैं दिल्ली से, सिर्फ इसी अकीदत से कि हुजूर मुझे अलम पेश करना है। इमाम हुसैन सबके हैं, किसी एक मज़हब के नहीं हैं, इन पूरी सारी इंसानियत पर इमाम हुसैन का एहसान है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द यजीद था जिसने 6 महीने के बच्चे से लेके 85 साल की उम्र तक हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद किया कर्बला में भूखा प्यासा। तारीख में मिलता नहीं है कि ऐसा तशद्दुद, ऐसा आतंक, ऐसा दहशतगर्दी कहीं हो। तो ये इमाम हुसैन को हम लोग अकीदत पेश कर रहे हैं और इनसे दुआ कर रहे हैं कि इमाम हुसैन जितने लोग आए हमारे मुल्क में भाईचारा मोहब्बत कायम हो और हमारे मुल्क इत्तेहाद मुत्तहिद रहे, तरक्की करे, खुशहाली आए, अमन आए, चैन आए। जो इमाम हुसैन को मानते हैं या इमाम हुसैन उन पर करम फरमाइए, अशोक बाबू पे भी हमारे करम फरमाइए, तमाम मीडिया जो लगा हुआ है उनके उनकी परेशानियां दूर करिए, उनकी जायज मुरादें पूरी करिए। देखिए इमाम हुसैन सबके हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।